पहला कोर्स आज मुझे स्वादिष्ट आलू चाहिए। जरा देखो ये कितना प्यारा है। आलू एकदम आसान। हाँ, मैं आलू पकाने में इतनी माहिर हूँ कि मैं इसे अपनी आँख बंद करके भी कर सकती हूँ। इस मामले में मुख्य बात सुरक्षा है और मेरे हाथ ना कटे इसके लिए एक कांटा मेरी मदद करेगा। देखो कितने सुंदर गोल टुकड़े बने। हाँ, अरे नहीं, ऐसे आलू कौन काटता है, ये भयानक है। और देखो कि एक असली एक्सपर्ट यह कैसे करता है। पोटैटो पीलर। अब देखो इसको लगाया, अब एक भी छिलका नहीं बचा है और अब इसे चाकू से काटने का समय है और मैं इसमें माहिर हूँ। देखो कितना सुंदर। खैर, अब इसे तेल में डुबाकर सुनहरा होने तक भूनना है। एकदम क्रिस्पी। और मुझे किसी भी गैजेट की जरूरत नहीं है, मैंने खुद बहुत अच्छा काम किया और इसे गोल गोल काट दिया है। उन्हें फ्राइंग पैन में डालना है, उन पर तेल डालना भूलना नहीं है और ज्यादा तेल। आलू चिप्स की तरह कुड़कुड़े हो जाने चाहिए। अरे यह आवाज कैसी है? अरे नहीं, लगता मैंने ज्यादा तेल डाल दिया। अब सभी ओर मुझ पर गिर रहे हैं। मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये बहुत उछल रहे हैं। बेटा बस इसे ढक दो, सब ठीक हो जाएगा। देखो एकदम आसान है। दादी आप बहुत स्मार्ट हो। दादी को शर्मिंदा मत करो, मुझे खाना बनाना है और मेरे पास स्टोर में स्वादिष्ट आलू के लिए एक रेसिपी है। और एक प्लास्टिक पैक लिया, उसमें छोटे आलू के टुकड़े डाले, बंद किया और इसे ओवन में डाल देती हूँ। 5 मिनट के लिए डाल देती हूँ। हाँ, तैयार। चलो अब इसे देखती हूँ ये कैसा है। बढ़िया, ये पक गया है। लो, लेकिन मैं इसे अब बाहर कैसे निकालूं? हाँ सही है, इस कटोरी में मैं मैश्ड पोटैटो बनाऊंगी। बॉल में डाला, थोड़ा दूध डाला, बटर और सबको आपस में मिला देना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा तैयार हुआ है। हाँ चलो अब इसे एक प्लेट में रखती हूँ। वाह, महक तो बहुत ही अच्छी आ रही है। और बस थोड़े से मटर से इसके आँख कान बनाती हूँ और मुंह, और यह तैयार हो गया। दादी मैं इन हेल्दी वेल्दी के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ। अच्छा होगा कि आपको देखे कि मैंने कैसे आलू के फ्राइड चिप्स तैयार किए हैं। मैं थोड़े मसाला भी डालूंगी। जैस, ऐसा लगता है तुमने बिना पूछे कुछ लिया है। मेरे मसाले वापस लाओ, आजकल के बच्चे। और वैसे भी अब मेरे आलू में मिर्च डालने का समय हो गया। अरे नहीं जैस, तुमने ढक्कन बंद नहीं किया था और सभी मसाले मेरे डिश पर गिर गए। अब क्या करूं? ओह, मैं हार नहीं सकता, मैं कभी हारा नहीं हूँ। मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। हाँ एक आइडिया है, चीज इस स्थिति में मेरी मदद करेगा। बस इसे ग्रेट करना है, जितना ज्यादा उतना अच्छा। हाँ, और अब बर्नर, ये इसे पिघलाएगा। मुझे लगता है अब यह ठीक हो गया है। चलो सब तैयार है। वाओ, एक साथ बहुत सारे आलू के डिश हैं। मैं इस स्वादिष्ट हिस्से से शुरू करूंगी। जरा देखो चीज कितनी खूबसूरती से स्ट्रेच हो रहा है, जैसे पिज्जा पर। मुझे इसे तुरंत चक्कर देखना है। नहीं, ये उतना स्वादिष्ट नहीं है जितना मैंने सोचा था। ओह, इतना मसाला है कि मेरी तबीयत ही खराब हो जाएगी। नहीं शेफ, ये तुम्हारे लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब अगला शुरू करने का समय है। दादी यह क्या है? क्या यह भी आलू है? और यहाँ पर मटर क्यों डाला? आखिर सब्जियाँ खाता कौन है? ये बहुत बेस्वाद है। नहीं, मैं इसे ट्राई नहीं करूँगी। और यह तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, ये चिप्स की तरह दिख रहा है। वाह, और इसका स्वाद भी चिप्स की तरह है, बहुत स्वादिष्ट। इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं और मेरा पेट भर गया है और जेस के स्वादिष्ट आलू जीत रहे हैं। ओह हाँ, मुझे पता था तुम्हें मेरा खाना जरूर पसंद आएगा। ठीक है, तो अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए इतना प्यारा मिनियन तैयार करें। मिनियन? यह सब क्या है और इसे कैसे पकाते हैं? मुझे जल्दी कुछ बढ़िया सोचना होगा, मेरे दिमाग में कोई आइडिया क्यों नहीं है। नहीं, निश्चित रूप से एक है। मुझे एक विशेष बोतल की जरूरत होगी जिसमें मैं थोड़ा आटा डालूंगी और फिर एक अंडा डालूंगी और फिर इसे दूध के साथ पूरा भर दूंगी। और एक पीला बैटर तैयार करने के लिए हमें एक खास पीला डाई जोड़ने की जरूरत है।
चलो ये सब अच्छी तरह से मिलाएं। देखो मैं कितने जोर से कर रही हूँ। खैर बस मेरा पीला बैटर तैयार हो गया है, और ना केवल पीला बल्कि मेरे पास अब लाल, नीला और काला बैटर भी है ना, बहुत अच्छा। चलो अब मैं आपको अपनी आर्टिस्टिक प्रतिभा दिखाऊंगी। इस तरह के काम में जरूरी बात है कि इसे पूरे अपने दिल से करना है, और फिर सब कुछ निश्चित रूप से काम करेगा, और ये बहुत मजेदार है। ऐसा लगता रहा है मानो हम अपने ड्राइंग बुक में रंग भर रहे हैं। मैंने कितना सुंदर बनाया है, बहुत बढ़िया। अब हमें अपने पैनकेक को स्टोव से सावधानी पूर्वक निकालना होगा। अरे नहीं, मुझे लगता है मेरा स्पैचुला फंस गया है। चलो निकलो। वो कहाँ गया? वो तो सीधे, अब ये मेरे चेहरे पर है। नहीं जेस, तुम कितनी टैलेंटेड हो, मैं भी ऐसा सोच रही थी। खैर अब मुझे खुद कुछ नया सोचना होगा। आज मैं सफेद चॉकलेट और नींबू का इस्तेमाल करूंगी, और अब मैं चॉकलेट पर थोड़ा नींबू का रस डालूंगी, और इसे मीठा बनाने के लिए पाउडर चीनी डाल देती हूँ। फिर हम इसे एक सॉस पैन में गर्म करेंगे, और हमें पीली पिघली हुई चॉकलेट मिलती है। मेरा दिमाग केवल दिमाग नहीं बल्कि एक पूरी कुक बुक है। चलो अब हम एक सेब लेते हैं और इसमें एक स्टिक को लगाते हैं ऐसे, और फिर इसके बाद इसे सॉस में डिप करेंगे। सभी तरफ अच्छे से चॉकलेट में ढक देंगे। हाँ पर इसे इस तरह से नहीं छोड़ सकते, इसे एक मिनियन की तरह दिखना है, इसलिए इसमें आँख जोड़ेंगे और थोड़ा और डिटेल्स, और उसके बाद यह तैयार हो गया। बहुत ही प्यारा दिख रहा है ना। शेफ तुम्हारा क्या कहना है? ओह दादी आप मुझे परेशान कर रही हैं। मेरा ध्यान मत हटाओ, क्योंकि मैं एक असली मास्टरपीस बना रहा हूँ। मेरे केक पर ध्यान रखना जरूरी है। मैं इसके सारे एक्स्ट्रास को हटा देता हूँ, और अब मैं इसे पीले क्रीम के साथ पेंट करने जा रहा हूँ। बस यहाँ इधर से, और एक असली कलाकार की तरह ब्रश के साथ काम करूंगा। लेकिन मैं इस ब्रश के साथ बहुत ज्यादा समय नहीं बिता सकता। मैं एक शक्तिशाली स्प्रिंकलर का उपयोग करूंगा। सब कुछ बहुत जल्दी हो जाएगा। ओह बहुत बढ़िया, थोड़ा और बचा है। ओह सॉरी, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। चलो मेरा यह तैयार है, बस इस पर आंख लगाना बचा हुआ है। मैं इसे यहाँ लगाऊंगा। हाँ उसके बाद उसके कपड़े, उसके सूट को तैयार करना जरूरी है, उसके हाथ, और अब ये बिल्कुल तैयार है। वाव, सभी ने कितनी मेहनत की है। एमा चलो जल्दी बताओ कि किसका काम पसंद आया। वाव वाव कितने मिनियन है। रुको यहाँ क्या है, ये तो बिल्कुल भी प्यारा नहीं दिख रहा है। क्या तुम्हें पता भी है कि मिनियन कैसा दिखता है? नहीं यह नहीं चलेगा। खैर मैं दूसरी डिशेस चेक कर देखना जारी रखूंगी। चलो मैं शुरू करती हूँ इस प्यारे मिनियन से। चलो इसे चेक कर देखती हूँ कि अंदर क्या है। थोड़ा कड़ा तो है। क्या यह सेब है चॉकलेट के साथ? आइडिया बुरा नहीं है, मैं ऐसा पहली बार खा रही हूँ और मुझे ये पसंद आया। और चलो अब ये बड़े मिनियन को खाती हूँ। हाँ चलो बस मैं यहाँ से इसे निकालती हूँ। वाह इसके अंदर तो चॉकलेट है, और यह बहुत स्वादिष्ट है। वाह एक असली मास्टरपीस है, मुझे बहुत पसंद आया। ओह किसी ने आखिरकार मेरे मेहनत की सराहना की है, मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे दुनिया का सबसे स्वादिष्ट कॉकटेल चाहिए। दुनिया का सबसे स्वादिष्ट कॉकटेल? हाँ मैं इसे तुम्हारे लिए जरूर बना दूंगी अम्मा। मैं सबसे बड़ा और रसदार तरबूज लूंगी, और एक खतरनाक चाल है या। मैंने वर्षों कराटे की ट्रेनिंग ली है। खैर अब ब्लेंडर का समय है, केवल यह मेरे आइडिया को असल जीवन में लाने में मेरी मदद करेगा। अच्छे से जूस बनाया, एकदम सही। और अब मुझे चाहिए कुछ सोडा, कोला, फैंटा और स्प्राइट। ढक्कन को हटा दिया, अब सबको एक साथ जोड़ देती हूँ, और बस तरबूज में इसे डाल देती हूँ ताकि अच्छे से घुल मिल जाए। और एक स्ट्रॉ, और हम यहाँ एक नल भी लगाएंगे, और यह तैयार हो गया। जरा इसे देखो। दादी दादी क्या कर रही हैं? एमा कितनी बड़ी हो गई है, और मुझे वह समय याद है जब वह छोटी सी थी
और बोतल से दूध पीना पसंद करती थी। हाँ बिल्कुल, ठीक यही उसे चाहिए। मैं उसकी फेवरेट बोतल में उसका फेवरेट बेबी ड्रिंक बनाऊंगी। एम्मा को वो जरूर पसंद आएगा। एक स्वादिष्ट और सबसे महत्वपूर्ण हेल्दी ड्रिंक। चलो थोड़ा शहद डालती हूँ। वाह बहुत बढ़िया है। और अब इसमें फ्रेश दूध डालूंगी और फिर इसे ढक्कन बंद करके अच्छे से मिलाना है। क्या हो गया? क्या हो रहा है? मेरे हाथ कहाँ अटक गए हैं? शेफ, ये तुम क्या कर रहे हो? दादी, मुझे समझ नहीं आई कि कैसे हो गया। मैं एक कॉकटेल के बारे में सोच रहा था और फिर सब कुछ बस ऐसे ही। तो सभी यादें एक तरफ, क्योंकि कॉकटेल खुद नहीं बनेगा और मैं बास्किन रॉबिन्स के सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम का इस्तेमाल करूंगा। ब्लूबेरी के साथ आइसक्रीम और स्ट्रॉबेरी के साथ आइसक्रीम, दोनों को आपस में मिला दिया और अब बस इसे ग्लास में डालना है। हाँ, अच्छे तरीके से। वाह, ये कितना सुंदर दिख रहा है और स्वादिष्ट तो होगा ही होगा। थोड़ा और डालता हूँ और अब मैं थोड़ा ऊपर से व्हिप्ड क्रीम डालूंगा। बहुत बढ़िया। और थोड़ा ऊपर से स्प्रिंकल्स, रंग बिरंगे स्प्रिंकल्स। और अब मेरा एक सुंदर यूनिकॉर्न कॉकटेल तैयार हो गया है। कोई कॉकटेल मेरी तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा प्यार से बना है। इसके अलावा वह तैयार है, केवल दूध के तापमान की जांच करना बाकी है। हाँ यह सही है। अब एम्मा इसे ट्राई करके बताएगी। अरे हाँ, मैं इन सबको ट्राई करूंगी और पहला यह यूनिकॉर्न होगा। यह कितना प्यारा है, असली के समान, और इसका स्वाद तो और भी अच्छा है। स्वादिष्ट, मुझे वास्तव में पसंद आया। चलो अब दूसरा ट्राई करती हूँ। यह क्या है? नहीं, मैं इतनी छोटी नहीं हूँ। हाँ, और अब यह तरबूज के साथ। ये तो दिलचस्प लग रहा है, बट यह क्या हो गया? नल बाहर आ गया। खैर कोई बात नहीं, मैं स्ट्रॉ से लेती हूँ। मैं इसे घुमा भी नहीं पा रही थी। अरे नहीं, ये तो पूरा गिर गया। मैं क्या करूँ? मैं इसे पीना चाहती थी और यह गिर गया। ओह, क्या तुमने सोच लिया? हाँ, मुझे पॉपकॉर्न चाहिए। समझ गई। ठीक है स्वीटी, यह आसान है। मैं अब मक्के को उबालूंगी और ये बहुत बढ़िया पॉपकॉर्न बनेगा। क्या, इसे क्यों पकाए? यह मकई के दाने हैं। हमें बस उन्हें एक प्लेट में डालना होगा और गर्म करना होगा, जैसे कि इस हेयर ड्रायर के साथ। इतना तेज। दादी को बचाओ। तुमने मेरा चश्मा लगभग तोड़ दिया था। इसे मुझे दो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे कानों में कुछ फंस गया है। माफ करना दादी। फिर मैं क्या करूं? बिल्कुल, मैं पॉपकॉर्न वॉफल बना रहा हूँ। मैं दाने को उसमें डाल दूंगा और फिर मैं न्यूटेला भी डालूंगा। बहन खुश हो जाएगी। मुझे भी यह बहुत पसंद है। यह मकई के दाने मैंने खुद सबसे अच्छी जगह से मंगवाया है, इसलिए इनका उपयोग किया जा सकता है। शेफ का पॉपकॉर्न सभी अपेक्षाओं पर खड़ा उतरेगा, क्योंकि इसका स्वाद स्किटल्स जैसा होगा। कैंडी इसे खट्टा बना देगी और मार्शमेलो इसे मीठा बना देगी। स्वादों का बढ़िया कॉम्बिनेशन। इसे फॉइल में लपेटकर बर्नर से भूनना बाकी है। खाना कैसे बनाया जाता है सीखो दोस्तों। लाजवाब, अब इसे खोल सकते हैं और हमारी मास्टरपीस का मजा ले सकते हैं। वाओ, सुंदर। मेरे तो जीभ में पानी आ रहा है। वाओ, क्या खुशबू है। और क्या चाहिए? मैं बकेट को पॉपकॉर्न से भर दूंगी और बच्चे को दूंगी। ला 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 ला। ओह, मकई तैयार है। चलो अब इसे निकाले। बढ़िया, मैं इसे एक प्लेट में रखूंगी और ऊपर से इस पर बटर लगाऊंगी इस तरह। ओह, कैसी अच्छी महक आ रही है। मैं नहीं समझ पा रही, पर ये महक क्या है? ये किस चीज की महक है? अरे नहीं प्रलय, अरे सुनो, क्या कर रहे हो? देखो, पहले अपना फोन बंद करो। क्या क्या? ऐसा नहीं हो सकता, मेरा वॉफल, क्या ये सब जल गया? ओ, ये कैसी बदबू है। सब तैयार है बेबी,
वाह! अरे यह कोयला क्या है? क्या यह खाने लायक भी है? बहुत बुरा, मैं ये नहीं खाऊंगी। हाँ, क्या यह मकई है? पर पॉपकॉर्न कहाँ है? खैर, मैं खाती हूँ। नहीं, यह बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा मैं चाहती थी। ओह, यह बकेट अच्छा लग रहा है और सुविधा के लिए चिमटा भी है। वाह, क्या है? मार्शमेलो? वाओ, बढ़िया। बहुत स्वादिष्ट। धन्यवाद शेफ, आप जीते। मुझे आपका पॉपकॉर्न बहुत पसंद आया। ओह, मैं बहुत खुश हुई। या इसे मत छुओ, यह बच्चे के लिए है। अब मेरे लिए एक केक पॉप बनाओ। क्या? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। ओह, काम पर लग जाओ। और यह, यह, यह। लगता है मैंने ओरियो कुकीज के टुकड़े कर दिए। अब मैं इसमें अपना फेवरेट न्यूटेला डालूंगा और बहुत सारा डालूंगा और इसे मिला देता हूँ और बढ़िया बॉल्स बनाऊंगा। वाह, मैं बहुत जीनियस हूँ। अब वुल्वरीन एक्शन में है, सावधान। सब कुछ तैयार लग रहा है। वाह, हमें बस बॉल्स के ऊपर स्ट्रॉबेरी सिरप डालना है। मेरे केक पॉप मीठे हो जाएंगे और हम उन्हें रंगीन स्प्रिंकल से सजा भी सकते हैं। ओ, ओ, अच्छा, फिर से। ठीक है, ऐसे। वाह, बढ़िया, ये तैयार हो गया। अरे वाह, तुम कितने अच्छे बच्चे हो। मैं भी काम पर लग जाती हूँ। मैं आटा डालूंगी, ताजा दूध डालूंगी और दो अंडे तोड़कर डालूंगी। अब अच्छे से विस्क से फेंटे और हमारा डो तैयार हो जाएगा। चलो अब इसकी जांच करें। दादी खुश है। हम डो को सांचों में डालकर अवन में बेक कर सकते हैं। इस तरह से। ऐसी स्थिति के लिए शेफ के पास हमेशा चॉकलेट केक तैयार रहता है। इसे केवल टुकड़ों में तोड़ना और ब्लेंडर में चॉकलेट चिप्स बनाना ही बाकी है। बढ़िया, हम इसे हाई स्पीड पर चालू कर सकते हैं। वाह, अब इसमें कंडेंस्ड मिल्क मिलाएं और हाथों से इस डो के बॉल्स बना ले। हाँ, चलो पहले अच्छे से मिलाती हूँ और अब डो बनेगा। हाँ, मैं अपने अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। मुझे बिल्कुल गोल आकार चाहिए। अब बिल्कुल सही है। अब ग्लव्स हटा देती हूँ। सजावट शुरू करने का समय आ गया है। यह बहुत ही अच्छा है। कौन सी चॉकलेट चुनूं? मैं पीला वाला लूंगी। अब मैं इसे गर्म पानी में पिघलाऊंगी और हाँ, हम केक पॉप को पेंट कर सकते हैं। आश्चर्यजनक, चॉकलेट एकदम सही पड़ी है। हाँ, अब मैं इसके कान लगाऊंगी और पिकाचू बनाऊंगी। तैयार। मेरे बॉल्स भी तैयार हैं। ताजे डो की कितनी मीठी खुशबू है। अब मैं उन्हें क्रीम से सजाऊंगी और मार्शमेलो लगाऊंगी। यह रहा मार्शमेलो। चलो इसे ऊपर से रखती हूँ, लेकिन पहले मैं फूल की पंखुड़ियाँ बनाने के लिए इसे काटूंगी। जरा इसे देखो, कितना सुंदर है। और बीच में एक बेरी रखूंगी। बढ़िया, यह पॉट अच्छा है। बच्चे के लिए सब कुछ सुंदर होना चाहिए। मेरे सर से हटाओ इसे, दादी। हरा स्टिक सही रहेगा। वाह, जरा देखो। अच्छी बात है कि फूल तैयार है। इसे रोपना और बच्चे को देना ही बाकी है। मैं बच्चे को खुश करने के लिए अलग तरह से सर्व करूंगी। तो कैसा लग रहा है? वाओ, हम तैयार हैं बेबी। दिलचस्प, कहाँ से शुरू करूँ? यह बिल्कुल केक पॉप की तरह है जैसे मैंने ड्रॉ किया था। चलो इसे खाती हूँ। मुझे यह पसंद है। धन्यवाद भाई।
वाओ, कितने प्यारे फूल हैं। दादी ने बहुत मेहनत की है। मीठी सी खुशबू है और इसका स्वाद कैसा है? वाओ, बढ़िया। और पंखुड़ियाँ अद्भुत है। केक पॉप कहाँ है? अजीब। मेरा फेवरेट। कूल। अरे वाह, ये पिकाचू है। मुझे ये बहुत पसंद है। शाबाश शेफ, यहाँ आओ। इसके स्वाद का तो कोई जवाब ही नहीं है। पर किसे चुनूं? दादी या शेफ, आप क्या सोचते हैं? अब भी पूछ रही हो? बेशक पिकाचू। लेकिन फूलों का क्या? मैंने बहुत कोशिश की। आप ठीक कह रही हैं, दादी जीत गई। ओह धन्यवाद। तो सबसे पहले मुझे इस तरह का केक चाहिए जैसा कि तस्वीर में है। हाँ, हम यह करेंगे। ओह केक, मैं इसे बनाने में एक मास्टर हूँ। क्या? केक, मैं इसे अब बनाऊंगी। मुझे बस थोड़ा सा आटा चाहिए, कुछ अंडे, ठीक है, और अब थोड़ी दूध भी। अब मैं बैटर को मिक्स करूंगी। ओह कितना सुंदर है ना मैगी? आटा क्यों बनाए? अगर तैयार केक मेरे पास है, देखो ये कितने अच्छे हैं। ओह नहीं, ये घर का बना नहीं है, स्टोर से खरीदा हुआ केक। ओह यह बहुत भयानक है। इस बीच मेरा प्रोफेशनल मिक्सर मेरे लिए आटा को तैयार कर देगा। हाँ ये ही मुझे चाहिए। इसे 5 बराबर भागों में विभाजित करना है और अब हमें रंग जोड़ने की जरूरत है। इस तरह से। मैं दस्ताने पहन लेता हूँ और आटा अच्छी तरह से गूंथूंगा। अरे हाँ, अब हर केक अनोखा होगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा केक भी अनोखा होगा, विशेष रूप से पीनट बटर के साथ। हम इसे पहले केक पर फैलाएंगे, फिर इस तरह से, हाँ, और फिर दूसरे पर भी ऐसे। मैं थोड़ा सा खा भी सकती हूँ। ओह कितना स्वादिष्ट है यह। हाँ अब यह तीसरे केक पर फैलाने का समय है। ओह मुझे एक और चम्मच चाहिए। और सोफी को यह पता नहीं चलेगा। हाँ बहुत ही स्वादिष्ट है। मैगी तुम क्या कर रही हो? ऐसा मत करो। बेहतर होगा देखो कि मेरे पास क्या घर का बना जैम है। मुझे लगता है मैं अपने पाई में पूरा जार डालूंगी। कितना सुंदर है। और अब डेकोरेशन के लिए थोड़ा आटा। वाह कितना सुंदर है। और यहाँ मेरा ब्रांडेड मैस है। और क्या खुशबू है। इसे अवन में डालने का समय है। बस यहाँ थोड़ी देर रुको, तब तक दादी एक झपकी लेती है। और यहाँ मेरा केक तैयार है। यह केक इकट्ठा करने का समय है। मैं अपने रंगीन क्रीम के साथ सारे लेयर्स को सजाऊंगा और ये रंग केक के रंगों से मेल खाएंगे। क्रीम से बाहर को भी सजाए। हाँ इस तरह से। और अब मुझे इसे एक विशेष स्पैचुला के साथ फैलाने की आवश्यकता है। अरे हाँ यह केक एकदम परफेक्ट होगा। लेकिन यह सब नहीं है। अब मैं एक मीठा इंद्रधनुष बनाने जा रहा हूँ। मैं इसे केक पर रखूंगा और जहाँ इंद्रधनुष है वहाँ एक यूनिकॉर्न है। हाँ और साइड्स पर मेरे पास बादल और दिल होंगे। ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छा कर लिया है। यह परफेक्ट है। यह मेरी घड़ी है। यह पाई निकालने का समय है। और तैयार है। क्या खुशबू है। यह सोफी को ट्रीट देने का समय है। चलो दोस्तों, दादी यहाँ है। अरे नहीं, उनके पास ऐसे सुंदर केक हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल भयानक है। मैं इसे कैंडी M&M से सजाऊंगी। हाँ यह बढ़िया रहेगा। और यहाँ देखो कितना सुंदर लग रहा है। सोफी जल्दी इसे खाओ।
वाह, कितने सारे केक हैं। कहाँ से शुरू करूँ? एनी मेनी माइनी मो, तुम पहले हो। चलो ये खाते हैं। पर यह सूखा है, कोक के बिना नहीं खा सकते। ओ, माफ करना मैगी। वाह, वह दादी की स्ट्रॉबेरी पाई है। कितनी अच्छी महक आ रही है और यह बहुत स्वादिष्ट है। दादी, मैं आपको प्यार करती हूँ। वाह, यह क्या सुंदरता है। मुझे तुरंत एक टुकड़ा चाहिए। ओ वाह, यह इंद्रधनुषी है और यह बहुत सॉफ्ट और स्वादिष्ट है। और यह यूनिकॉर्न भी बहुत स्वादिष्ट है। मुझे विजेता के रूप में किसे चुनना चाहिए? शेफ का केक जीतता है। वह अतुलनीय है। ओह हाँ, मैं अपने काम को जानता हूँ। अच्छा तो ठीक है, अब मुझे पॉपकॉर्न चाहिए जैसे मूवी थिएटर में होता है। वह क्या है? पॉपकॉर्न। खैर मैं ऐसा कर सकती हूँ, यहाँ कॉर्न है। नहीं, यहाँ विशेष अनाज की आवश्यकता है और मेरे पास है। मैं फॉइल से बाउल्स तैयार करूँगा और अब मैं अच्छे से उनमें अनाज डालूंगा। हाँ, और निश्चित रूप से तेल। सबसे ताजा। मैं उनमें अनाज डालूंगा। हाँ, यह सही है। मैं रंगों के बिना कहीं नहीं जा रहा हूँ। वे पॉपकॉर्न को सुंदर बना देंगे। यह एक यहाँ, एक यहाँ। चलो उनमें से एक इंद्रधनुष बनाते हैं। और यह बर्नर का समय है, सावधान रहना है। यह विस्फोट करने का समय है। मुझे लगता है यह काबी है। देखते हैं क्या हुआ। अरे हाँ, लाल पॉपकॉर्न। आप क्या कहती हो दादी, आपको रंग कैसे लगे? खैर आपको कुछ नहीं पता है। ओह, ये शेफ क्या जानते हैं। मेरे लिए सब कुछ नेचुरल होगा। बस मैं अपने नए गैजेट के साथ अनाज निकालूंगी। यह बिल्कुल सही है। आप पैन में थोड़ा मक्खन डालती हूँ। वैसे यहाँ और भी डाल सकते हैं। मैं इसे फैला दूंगी और यहाँ मकई डालूंगी और निश्चित रूप से चीनी। मेरी सोफी को मीठी चीजें बहुत पसंद है। ओ, ऐसा लगता है कि प्रक्रिया शुरू हो गई है। ओह हाँ, फ्राइंग पैन में अनाज फट रहे हैं। ये तैयार हो गया लगता है। वाह क्या खुशबू है, सब कुछ बढ़िया है। यह सीक्रेट इंग्रेडिएंट का उपयोग करने का समय है। मैं मार्शमेलो को एक फ्राइंग पैन में पिघलाऊंगा जब तक कि वे पेस्ट में ना बदल जाए। और अब मैं वहाँ पॉपकॉर्न भेजूंगा। मैं सब कुछ अच्छी तरह से मिलाता हूँ। मुझे पॉपकॉर्न की एक चिपचिपी गेंद मिली है और यहाँ मुझे विभिन्न रंगों की 5 गेंदों के रूप में पॉपकॉर्न मिले हैं। यह पॉपकॉर्न को एक कटोरे में डालने का समय है। वाह क्या सुंदरता है। और तुमने क्या बनाया है सैम? क्या वो पॉपकॉर्न है? अरे यह लो, चलो। ओह बच्चों की तरह। यह अच्छा है कि मेरे पास पॉपकॉर्न है जिसे बस गर्म करने की जरूरत है। फ्राइंग पैन पर पैकेज डालो और प्रक्रिया शुरू हो गई। ओह हाँ, और टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। वाह एक सेकंड रुको, वह गंध क्या है? उधर क्या हो रहा है? क्या गंध? ओह लगता है ये फटने वाला है। नीचे छिप जाओ। ओह मैगी, तुमने क्या किया है? पॉपकॉर्न। मुझे इसे जल्द से जल्द साफ करना होगा। क्या कुछ बचा है? ओह यह क्या बसे? ओह माफ करना, मुझे लगता है तुम्हें एक डाइट पर रहना पड़ेगा सोफी। ओह वाह इतना पॉपकॉर्न। और वह गंध क्या है? यह क्या है? यह तो जल गया है। ओह और यहाँ असली पॉपकॉर्न है। चलो यह खाते हैं। कितना मीठा। आप सब कुछ जानती हो दादी। ओह वाह यह क्या है? ओह वाह यह कितना मस्त है। यह अच्छा लग रहा है। और ये कितना स्वादिष्ट है, बस अविश्वसनीय है। यह पॉपकॉर्न निश्चित रूप से जीतने का हकदार है। हाँ एक और पॉइंट, मैं सबसे अच्छा हूँ। और अगली डिश पैनकेक्स है। क्या आप यह बना सकते हैं?
क्या हुआ? क्या है? पैनकेक्स? उन्हें कैसे पकाना है? ओह, क्या फोकस है! ऐसा लगता है कि लड़ाई चल रही है। यह दूध में दो अंडे जोड़ने का समय है और हाँ, थोड़ा आटा। अब मैं अपने प्रोफेशनल मिक्सर में आटा को मिला दूंगा। मुझे लगता है कि यह दौर भी मेरे लिए होगा। वाह! तुम जल्दी खुश हो रहे हो। मेरा विस्क भी बुरा नहीं करेगा। मैं खुद आटा गूंदने में सक्षम हूँ। हाँ, हमें दूध जोड़ने की जरूरत है। और क्या? आटा, बिल्कुल। और अंडे। मैं इसे शेल के साथ बना सकती हूँ। अब हमें सब कुछ मिलाने की जरूरत है। कुछ भी मुश्किल नहीं लगता है, बस कुछ अजीब बैटर है। तो यह पैन में बैटर को डालने का समय है। बस, और अब हमें चॉकलेट पेस्ट की जरूरत है। मैं इसे एक पैनकेक पर फैलाऊंगी और मैं ऊपर एक और के साथ कवर करूंगी। ये एकदम सही निकले हैं। क्या? वह क्या कर रहा है? और मैं यहाँ हरा डालूंगा। बस, पूरा सेट। चलो इसे थोड़ा हिलाएं, इस तरह और इस तरह। अरे हाँ, देखो मैं कैसे कर सकती हूँ। दादी बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन आप अपने पैनकेक को ड्रॉ नहीं कर सकती। अब मैं सिर्फ एक पैनकेक नहीं बल्कि आर्ट का काम करूंगा। और अब आखिरी टच, और सोफी का चित्र तैयार है। क्या? उनके पास सब कुछ तैयार है और मेरे पास यह अजीब बैटर है। ठीक है, बस इसे पैन में डाल देती हूँ, जो होगा सो होगा। अच्छा सोफी, क्या तुम पहले से भूखी हो? आगे बढ़ो, शुरू करो। ओह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये फिर से शुरू हो गए। ओह, ये कैसी गंध है! अरे नहीं, मेरे पैनकेक में आग लग गई है। मुझे तुरंत इसे बंद करने की जरूरत है। अब तुम हारने वाले हो। यह कैसी गंध है! तुमने क्या किया है मैगी? ओह, मुझे लगता है कि मेरा पैनकेक तैयार है। वाह, आपने कितना बढ़िया काम किया है! और क्या ये क्या महक है? एक मिनट रुको, क्या कुछ फिर से चल गया है? यह मैगी का पैनकेक है। वाह, क्या इस पैनकेक पर मैं हूँ? वाह वाह, और इसका स्वाद कैसा है? बहुत स्वादिष्ट है। वो एक मिनट रुको, ये दादी के पैनकेक्स हैं? अरे हाँ, अंदर चॉकलेट है, जैसा मुझे पसंद है। वे बहुत स्वादिष्ट है, मैं अपने आप को रोक भी नहीं सकती। दादी, आप बस कमाल के हो, ये सबसे अच्छा डिश है। ओ धन्यवाद सोफी, तुम्हें मुझसे सीखने की जरूरत है।